हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। जा रहे हैं जी परमंडल। कहाँ है, कैसी लोकेशन है, आपको सब कुछ अगली वीडियो में बताते हैं। बस गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं। मैं जी अभी जम्मू की बाईपास रोड पे, इसी रोड पे वीकलेट जाता है, वीकलेट्स के आगे एक लेफ्ट टर्न है, हम वो लेफ्ट टर्न लेंगे और जाएंगे टुवर्ड्स परमंडल। तो अभी जब हम लेफ्ट लेते हैं, अब आपको लेफ्ट दिखाते हैं और फिर आगे बहुत सुंदर रोड है, वो भी सारी आपको दिखाएंगे। ये जो आप रोड देख रहे हैं जी, ये रोड सारी टूटी हुई है। ये बेसिकली सारा सिक्सन का काम चल रहा है, जो कि दिल्ली से कटरा एक्सप्रेस वे बनना है। ये रोड सारी वाइड होगी, अभी फोर लेन रोड है, ये सिक्स लेन हो जाएगी, तो एक्सप्रेस वे पूरा का पूरा इस रोड पर बन रहा है। इसलिए इस जम्मू बाईपास रोड पर आपको काफ़ी डाइवर्जन्स मिलेंगी। प्रॉपरली अप टू कटरा ही काफ़ी डाइवर्जन्स है, तो एक डेढ़ साल की और बात है फिर ये रोड भी सही हो जाएगी। ये कुछ ऐसा है जी चवादी का कट, एक्सप्रेस वे की डाइवर्जन जैसे बीच बीच में काटी है, पता ही नहीं चलता, बट ये व्हीकल एड्स के जस्ट आगे ये वाला कट आता है, चुवादी कहते हैं इस कट को। यहाँ से अब हम आगे परमंडल की तरफ जाएंगे। लॉर्ड्स मोरे रिजॉर्ट क्रॉस किए जो चवादी के आगे आता है, उसके बाद सड़क ये छोटी सी होगी, मतलब ठीक है, छोटी सड़क है और सुंदर सी रोड है। बीच में रास्ते में अलग अलग घाट या जो आ रहे हैं जिनको हम क्रॉस करते करते आगे बढ़ रहे हैं। अभी अराउंड जम्मू से हमें निकले कोई 20 मिनट के आसपास का टाइम हो गया और आधा घंटा हमें और लगेगा पहुँचते हुए। सनराइज़ हो रहा है बहुत बढ़िया, बीच में के रुक के आपको सनराइज़ दिखाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सामने ये सनराइज हो रहा है और ये ऐसे खाली खड्ड कहते हैं इनको, चौक कह लो आप, जो बरसाती दरिया या बरसाती नाले हो गए, ऐसे रास्ते में ही है पूरे, और ये बीच रास्ते में ऐसे पूरी की पूरी ये रोड है जी गांव मंडल। ये पीछे आप ब्रिज देख सकते हैं, इसके आगे परमंडल आ जाएगा। ये आप बहुत ही सुंदर ब्रिज देखो, और ये जो नीचे आप ये एरिया देख रहे हो इसको गुप्त गंगा कहते हैं। अगर यहाँ पे हम ये रेत को पीछे साइड पे करें तो नीचे से पानी निकलेगा, इसलिए इसका जो सिग्निफिकेंस है वो गुप्त गंगा से लिया जाता है। मंडल, अब हम निकलते हैं परमंडल के लिए। पीछे देख सकते हैं जी हम बिल्कुल परमंडल पहुंच गए हैं, अब आगे मंदिर की तरफ जा रहे हैं, मंदिर दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। मंदिर के परिसर की तरफ जाने के लिए रास्ता, मंदिर की एंट्रेंस, एक यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर है और एक राधा कृष्ण परिसर परमंडल है, दोनों मंदिर के दर्शन करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। जी राधा कृष्ण मंदिर परमंडल में, राधा कृष्ण मंदिर का परिसर, राधा कृष्ण मंदिर के दृश्य। इस सामने है गुप्त गंगा। अब हम यहाँ से वापसी निकलते हैं और जाते हैं महादेव मंदिर की तरफ। मेन एंट्रेंस बेसिकली यहाँ पे जूता घर है और जूते हमने पीछे उतार दिए थे, अपन मंदिर जा रहे मंदिर परिसर में जी। पूरा मंदिर का परिसर, प्राचीन मंदिर, ये जब हम जा रहे मेन मंदिर के परिसर में, अभी श्री काशी विश्वनाथ जी का और ये महादेव का मंदिर महादेव जी का। नमः लो अभी मंदिर को बने हुए 2500 साल,
वहाँ राया भैनी गलते कश्मीर के राया वंतीकापुर के राजा बने, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। ये मंदिर बना हुआ है गिद्ध के कारण, गिद्ध समझते लोमड़ी, उसी के कारण ये मंदिर बना हुआ है, क्योंकि वो जो लोमड़ी थी वो इनकी सेवा था। दिन भर जहीं पर चारा वारा खाती थी इसी को उनका पानी पीती थी, यहीं पर रहती थी। राया भैनी गलते वो जहाँ से जम्मू जा रहे थे उनको रात पड़ गई, उन्हें अपना डेरा हेरा लगा लिया, रात को शिकार करना शुरू कर दिया। जैसे वो गिद्ध जहाँ पर पानी पीने लगा उन्होंने उनका शिकार कर दिया, उनकी तो गति हो गई, इनके चरणों में मृत्यु हुई और वो राजा बीमार हो गया। मैं अपनी सेना को बोला यहाँ से वापस चले, उसके घर में कोई औलाद नहीं थी। दो साल बाद इसी गिद्ध ने उसके घर में लड़की बन गई, बड़ा खुश हुआ कि लड़की हुई, मगर वो रोती बहुत ही रोती, इस वजह से उसको पहले जन्म का तीर लगा हुआ था, उस सब तक होता उसने अपने पंडित जोशी वगैरह बुलाया, उन्होंने देखा और कहा आपको हत्या कर दी, हाँ मैं राजा हूँ मेरे को हत्या कैसे करती हूँ, आपने गिद्ध का शिकार किया, मैंने अपने जीवन में हजारों गिद्ध नहीं मारा, उस टाइम उन्होंने निशानी दी थी जिनको आप सबको देखिए नीचे माता पार्वती के रूप में पुत्र हो गया। वो खुद नहीं आया, उसने अपनी सेना भेजी, जैसे वो जहाँ पर पहुँचे उन्होंने देखा यहाँ पर खोपड़ी पड़ी हुई है उसको तीर लगा, जैसे उन्होंने तीर निकाला वो लड़की थी। फिर वो सारे परिवार के साथ यहाँ पे आया, उस इस मंदिर का निर्माण करवाया और ये अखंड ज्योत उसी ने जलाई थी उस टाइम उस गिद्ध की गति के लिए, जो आज भी जो हमारे प्राणी जा चुके हैं उनके नाम का तेल इसमें जलता है। बढ़िया दर्शन हो गए जी। वो जब कुंड देख रहे थे जिसके अंदर जल चढ़ रहा था, उस कुंड की डेप्थ कितनी है अभी तक पता नहीं है, और उसमें से जितना जल निकाल लें या जितना जल डाल दें उसकी जो हाइट है वाटर लेवल की वो हमेशा उतनी रहती है। बाकी पंडित जी ने अच्छी हिस्ट्री अपने को मंदिर की बता दी इस क्लिप के पहले वाले क्लिप में आपने देखा होगा। अब आपको बाकी मंदिर के दर्शन कराते हैं। ये जी पूरा परिक्रमा मार्ग मंदिर का, ये जो मंदिर में जगह है यहाँ पे आप कहते हैं कोई भी मनोकामना माने तो पूरी हो जाती है, और जब पूरी हो तो वापस आप यहाँ पे आए। ये बिल्कुल परमंडल जो प्राचीन शिव मंदिर है उसके सेंटर में ये पॉइंट, इस जगह पर जहाँ मनोकामना मानी जाती है मांगते हैं आप, यहाँ से अगर देखें तो ये दो पेड़ है, नीचे से एक ही पेड़ है और ऊपर आप देखें दो, एक पीपल का पेड़ है और एक बरगद का पेड़ है, तो दोनों पेड़ इकट्ठे पीपल के पत्ते भी आप देख सकते हैं और बैनियन ट्री के पत्ते भी आप देख सकते हैं। श्री राम मंदिर दिखाते हैं जी, जो कि परमंडल के बिल्कुल परिसर में ही है। मंदिर के बिल्कुल पास से ये जगह कितनी पुरानी जगह होगी, आप इसकी जो आसपास बिल्डिंग है उसे आप देख सकते हैं, और नीचे ये गुप्त गंगा। जैसे ही आप इस मिट्टी को थोड़ा सा हटाएंगे तो नीचे से बिल्कुल पानी के आपको सोर्स मिलेंगे, इसलिए इस जगह को गुप्त गंगा कहा जाता है। अब मंदिर के परिसर से बाहर निकल रहे हैं जी और वापसी निकलते हैं जम्मू के लिए, को सारे रास्ते दिखाते जाते हैं वापसी के। वापस निकल रहे हैं जी अब हम परमंडल से, और अब वापसी का रास्ता आए हम थे चिवादी वाली साइड से, अब वापसी हम जाने का सोच रहे हैं रिंग रोड से। जैसे निकलते हैं जैसे जैसे रास्ते बनते हैं आपको भी दिखाते हैं। नवरात्रों का समय है जी और बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए, आज 8वां नवरात्रा है, बहुत ही सुंदर हमारे दर्शन हुए। अब हम वापसी निकल रहे हैं जी जम्मू के लिए, अभी सुबह का बहुत अर्ली का टाइम था इसलिए उतने लोग दर्शन करने के लिए नहीं आए, बट धीरे धीरे विद टाइम अब यहाँ पे अभी तो गाड़ी यहीं पार्क हो जाती है
जो मंदिर के बिल्कुल पास पार्किंग है, नहीं तो फिर आपको ऊपर परमंडल गाड़ी लगा के फिर वापस आना पड़ता है। आगे परमंडल गांव की तरफ भी जाने का। ये जी परमंडल गांव, थोड़ा सा आगे गांव की तरफ जाते हैं, आपको गांव दिखाते हैं और फिर वापसी लौटते हैं। बहुत ही सुंदर है, छोटा सा गांव है एक। ये सामने स्कूल भी है, परमंडल गांव की तरफ जा रही है। साहिब बंदगी सत्संग आश्रम, वो छोटा सा पीसफुल सा गांव है एक, बिल्कुल नदी के किनारे बसा हुआ है। सुबह सुबह जब यहाँ पे बेल्स बजती है पूरे गांव में तो अलग ही माहौल हो जाता है। ये जी गांव, ट्रेडिशनल विलेज और काफी पुराना गांव है। अब हम यहाँ से गाड़ी वापस घुमाते हैं और निकलते हैं जी आगे की तरफ जम्मू को। ये क्रॉस करने लगे हैं रिवर जो है छोटा सा गंगा। उत्तर बहनी बिल्कुल। अब हम क्या, अब हमने क्या किया, अब हम जम्मू वाली साइड, अब हम विजयपुर वाली साइड जा रहे हैं। विजयपुर से हम रिंग रोड लेके जम्मू जाएंगे। तो विजयपुर के रास्ते में पर जब परमंडल से हैं तो ये जगह आती है उत्तर बहनी। मोस्टली क्या, सारी जितनी भी नदियाँ वो बहती हैं नॉर्थ टू साउथ, बट ये एक ओनली ऐसी रिवर है जो बैठी है साउथ टू नॉर्थ, तभी इसका नाम है उत्तर बहनी की ऑपोजिट साइड ये जो फ्लो कर रहा है वाटर। हमने खोदा तो ये पानी आ गया, बिल्कुल ऊपर रहता ही रहता है और नीचे पानी बहता है। ये कुछ ऐसी सड़क है विजयपुर जब हम जा रहे हैं, तो रास्ते में एक मंदिर है, इस मंदिर में दर्शन करते हैं। शिव जी का मंदिर है जी रास्ते में, इस मंदिर में भी दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। मंदिर के अंदर के दृश्य बहुत ही सुंदर है, शिव जी का मंदिर है ये रास्ते में बिल्कुल उत्तर बहनी में। ये देखिए जल चढ़ाने के लिए बिल्कुल साथ ही परिसर में कुआं भी है जी। मुझे इतनी बड़ी बेल भी है, देखिए अब तो टूट गई है बट ये बहुत ही बड़ी एक बेल थी यहाँ पे। रोड है ये सीधी जाती है परमंडल से आती है, ये पीछे हमारे परमंडल का रास्ता है और यहाँ से सामने अगर हम सीधा निकल जाए तो विजयपुर। ये जो हमने उत्तर बहनी देखी थी ये घूम के वापस यहाँ से क्रॉस करती है, तो अभी आपको एक बार यहाँ से दृश्य दिखा देते हैं जी। ये मेन एंट्रेंस भी यहीं से है और ये रास्ता, ये पूरा का पूरा उत्तर बहनी का जो एरिया है यहाँ पे बहुत ही वाइड हो जाता है रिवर। ये रिवर वापस फ्लो करके अब ये रिवर नॉर्थ साइड की तरफ जा रहा है। तुम जैसे मैंने कहा था कि ओनली रिवर डेट इज़ फ्लोइंग नॉर्थ। सारे मंदिर और भी हैं जी, कबीर जी का भी मंदिर है उत्तर बहनी जस्ट क्रॉस करने के बाद, बट जब हम वापस आएंगे तब देखेंगे। ये ऐसे कुछ रोड है जी विजयपुर जाने के लिए, बहुत ही पीसफुल सी रोड है, पूरे ट्रीज ही ट्रीज हैं आसपास और बिल्कुल साथ साथ उत्तर बहनी बहती है। अब तो हम थोड़ा आगे आगे बट बीच में कुछ डिस्टेंस के लिए उत्तर बहनी आपकी बिल्कुल पैरेलल रहेगी। ये नेशनल हाईवे 44 पे या पीछे नेशनल हाईवे देख सकते हैं हम, वो बीच में से पीछे पीछे से होके आए चिवादी से उत्तर बहनी से होके यहाँ से निकले और अब हम यहाँ से जा रहे हैं जी आगे वापस जम्मू की तरफ। थोड़ा लंबा रास्ता पड़ता है बट ठीक है, नया रास्ता एक्सप्लोर किया अच्छा रहा। पेट्रोल भरवा रहे हैं और निकलते हैं। हमने अगली ब्रेक ली है जिम्मेदारा ढाबा, बिल्कुल हाईवे के साथ ही है, ये सारा एक्सप्रेस वे काम चल रहा है, हाईवे के बिल्कुल साथ ही ढाबा है
यहाँ पे आते हैं, परौंठे खाते हैं, फिर आगे को बढ़ते हैं। इसके बिल्कुल साथ ही जी रिंग रोड जा रही है आगे को, उनको रिंग रोड भी दिखाता हूँ। ये रिंग रोड है, इसी से रोड से अब हम वापसी जम्मू के लिए निकल जाएंगे। ये देखिए जी, और अब हमने ये रिंग रोड ली है टूवर्ड्स जम्मू के लिए, क्योंकि विजयपुर तो हम थे तो वापस बड़ी बार में जाते, उससे पहले हमने प्लान किया कि यहीं से निकल जाते हैं। पहुंच गए जी हम वापस घर, और ये वाला ब्लॉग एंड करते हैं। बढ़िया अपनी सुबह रही आज की, अब मिलते हैं किसी एक नए ब्लॉग में। बाय बाय।